दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेक। और इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, एक प्रॉब्लम हो रहा है लैपटॉप में, जो लैपटॉप विंडोज में बूट नहीं हो रहा है, नो बूटिंग प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, मैं आपको जब इसका पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, इसमें सैमसंग का लोगो आ रहा है और फिर ये रिस्टार्ट हो जा रहा है। किसी भी लैपटॉप में इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें क्या सॉल्यूशन है मैं आपको सिंपल बताऊंगा दोस्तों। इसके लिए कोई ज्यादा टेक्निकल नॉलेज आपको नहीं लगेगा, एक सिंपल सॉल्यूशन है, वो देख के मैं आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके वजह से मैं देख के आपको बता सकता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है बेसिकली। लेकिन आप अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं, लेकिन आपके पास अगर टेक्निकल नॉलेज ज्यादा नहीं है तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं, ये लैपटॉप ऑटोमेटिक सैमसंग लोगो पे आके रिस्टार्ट हो जा रहा है। इसमें F2 प्रेस करके मैं बायोस में अगर जाता हूं तो देखिए दोस्तों, F2 प्रेस करके मैं इसमें बायोस में जाता हूं तो बायोस ऑन होने में भी थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। और यहां पर देखिए, यहां पर एडवांस, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो बायोस में मैं आया हूँ, इसमें सिस्टम, उसके बाद एडवांस, उसके बाद देखिए एरो प्रेस करके आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसमें आपको सिक बूट जो ऑप्शन है, इस बूट ऑप्शन में जाके आपको एंटर प्रेस करना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका बूट डिवाइस दिखा रहा है। देखिए CD DVD ये जो दिखा रहा है, उसके ठीक नीचे हार्ड डिस्क। देखिए दोस्तों, ये हार्ड डिस्क जो है वो दिखाता है, अगर जो कंपनी का है वो दिखाता है। मान लीजिए कि सैमसंग का है तो दिखाता है सैमसंग, इतना कुछ डिटेल्स दिखाता है। अगर वेस्टर्न डिजिटल का है तो वो भी दिखाता है, लेकिन इसमें सिर्फ आपका डिस्क बोल के दिखा रहा है। इसका मतलब ये हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है दोस्तों। देखिए मैं आपको यहाँ से F10 प्रेस करके फिर एंटर प्रेस करके यहाँ से निकलता हूँ। और यहाँ ये ओरिजिनल विंडोज है, तो F4 प्रेस करके इसमें रिकवरी का ऑप्शन दे रहा है नीचे, तो मैं अगर F4 भी प्रेस करूंगा तो भी ये रिकवरी में नहीं जाएगा, ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होते रहेगा। अगर मैं यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं CD से इसमें अगर विंडोज इंस्टॉल करने के लिए कोशिश भी करूंगा तो भी नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, विंडोज का एक CD है, ये कॉपी विंडोज है, तो इसका CD में इसमें डाल के इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा पूरा प्रैक्टिकली, मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ जिसमें क्या प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए CD मैंने डाल लिया और फिर बायोस में जाके फास्ट बूट डिवाइस को DVD सिलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, CD मैंने डाल लिया, अब मैं फास्ट बूट डिवाइस में जाता हूँ। बूट में जाने के बाद इंटर प्रेस करना है, उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपका CVD यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है F6 और या फिर F5 प्रेस करके आप चेंज कर सकते हैं वैल्यूज। तो मेरा यहाँ पर DVD ऊपर ही है तो मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ, फास्ट बूट डिवाइस जो है DVD वो ऊपर ही रहेगा। इसमें मैं F10 प्रेस करके फिर यहाँ से बायस से निकलता हूँ। और देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करके विंडोज़ इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये होगा नहीं दोस्तों। देखिए ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होता रहेगा, क्योंकि मैं आपको दिखाया लैप बायोस में जो हार्ड डिस्क है वो डिटेल्स शो नहीं कर रहा है, उसमें सिर्फ डिस्क दिखा रहा है। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, इसमें हार्ड डिस्क ख़राब है। मैं दूसरा हार्ड डिस्क लगा के भी दिखाऊँगा आपको एकदम प्रैक्टिकली। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर वीडियो से आपको हेल्प हुआ दोस्तों, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको जेन्युइन जो प्रॉब्लम होता है वो ही आपको दिखा दो, जो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए ज़्यादा आपको कोई टेक्निकल नॉलेज या फिर टेक्नीशियन की भी शायद ज़रूरत नहीं होगा। इसका हार्ड डिस्क चेंज करने के लिए दोस्तों सिंपली ये ओपन करना पड़ेगा।
लगा लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, दिखाता है इसका जो प्रॉब्लम हो रहा था वो सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था, अगर हार्ड डिस्क अच्छा रहा तो यहाँ पर दिखाएगा हार्ड डिस्क का डिटेल्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हार्ड डिस्क का डिटेल्स दिखा रहा है, जैसे सैमसंग का हार्ड डिस्क मैंने लगाई, ये दिखा रहा है मैं आपको जो बता रहा था। विंडोज़ इंस्टॉल करना प्रोसेस जो है वो देखना है तो दोस्तों, इसके लिए मेरा अलग वीडियो दिया हुआ है चैनल पर, इसी चैनल पर, वो ज़रूर देख लीजिएगा विंडोज़ 10 कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आप वीडियो अगर आपको पूरा अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।